वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड जो प्रोग्रामिंग है वो जावा में किस तरह से डिज़ाइन होता है, जावा का कोड किस तरह से यूज़ होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जावा लैंग्वेज बहुत ही फेमस है। पिछले पिछले 20 ईयर्स से अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जावा प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कॉटलिन है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह से आप बनाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर फ्लिपकार्ट के जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, ये देखेंगे पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हम जावा के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, PHP के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो ये सारे सब कुछ सीखना है अपने को। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसके साथ। तो पहले आपको तो देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय जावा, जावा के बेसिक्स, उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके एडवांस प्रोग्रामिंग तक के अपने को देखना है जावा का। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट में और सिंपल सा आपकी समझ में ऐसा बनाकर आपके सामने रखूँगा, आप समझ लेना। ओके, उसके बाद देखना है कि PHP MySQL डेटाबेस किस तरह से होता है। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको डेटा डेटा लगने वाला है और उसे डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो उससे रिलेटेड अपन PHP और MySQL तो ये तो आपका डेटाबेस के लिए रहेगा, PHP आपका मतलब वेब डिज़ाइनिंग की सर्वर पे या फिर वेब सर्वर किस तरह से बनाते हैं, उसका डेटाबेस किस तरह से होता है, ये सब कुछ वहाँ से देखेंगे। तो उसका भी बेसिक्स अपने को देखने हैं और उसका भी डिज़ाइन के साथ मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों के अलावा जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करके आप बेसिक बेसिक्स लाइक सिंपल एप्लीकेशन कैसे होते हैं, म्यूजिक एप्लीकेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसके साथ साथ सीखनी है। ओके, और ये सारी आपकी स्किल्स यूटिलाइज करना है ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, सो मैं जो हूँ लास्ट 10 ईयर्स से IT फील्ड में हूँ और मेरा नाम अर्शद। सो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। सो मैं बेसिकली आपको पढ़ाने वाला हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम बिगनिंग। उसके अंदर अपन जावा के वेरिएबल डिक्लेरेशन के एडवांस तक देखेंगे और उसके उप्स कंसेप्ट मतलब आफ्टर C++ जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसके जो उप्स के जो कंसेप्ट है तो वो पूरे डिटेल में देखेंगे, लाइक इमेजेस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद PHP का बेसिक देखेंगे क्योंकि अपने को डेटा बेस से कनेक्टिविटी करनी है और साथ ही साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं सिंपल वे से वो देखेंगे। और इसके अंदर PHP वेब सर्विसेस, उसके अंदर वॉली एंड पिकासो लाइब्रेरी किस तरह से ऐड होती है वो देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेपाल SDK, अभी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर पेमेंट जमा करना इंपॉर्टेंट होता है, तो पेपाल कैसे इंटीग्रेट होता है आपके SDK के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो देखना है। और इसके साथ साथ पूरा आपको एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में आपको बनाकर दिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, सो बेसिकली आपको इसके लिए लगेगा सिस्टम i3 PC या फिर लैपटॉप जो भी है, i3 प्रोसेसर मिनिमम चाहिए, i5 रहा या फिर i7 है तो बेस्ट है। ओके, और मिनिमम रैम जो आपको चाहिए वो 8 GB की रैम चाहिए और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपको एक 3-4 टाइप के सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। सबसे पहले आपको JDK डाउनलोड करना है जावा डेवलपमेंट की। ओके, उसके बाद नेटबीन भी आपको लगेगा, ये फ्री एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ आपको IntelliJ IDE ये भी इंस्टॉल करना है, ये भी कॉटलिन और जावा का जो कोड लिखा जाता है इन्वायरमेंट के अंदर उसके लिए काम में आता है। और वैम और रैम सर्वर लगेगा आपको, जो आपके PHP का जो सर्वर साइड जो भी लैंग्वेज रहेगी उसको रन करने के लिए। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एंड्रॉयड स्टूडियो 4 जो कि नया वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको डाउनलोड करना है, ये आपके पास अगर है तो आप बेसिकली आप वीडियो रिमाइंड करके या फिर उसको बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, हम अल्टीमेट टेक्नोलॉजी चैनल। थैंक यू।